नवजोत सिंह सिद्धू फिर तो एक्टिव होए ने लखीमपुर खीरी वाले मामले ते ते उन्होंने राजभवन के बिल्कुल दरवाजे ते एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया ते तमाम कांग्रेस के वड्डे आगू उन्हां दे नाल नज़र आए कि हुण असीं पंजाब कांग्रेस भवन में मौजूद हाँ कि पंजाब कांग्रेस भवन जिहड़ा है दोबारा नवजोत सिंह सिद्धू एंट्री करनगे इस बारे असीं पुछांगे जी एस बाली साहब ने पार्टी दे विच और संगठन दे विच और इस दफ्तर की खास जिम्मेदारी ना कोले बाली साहब स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच बाली साहब। नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री दोबारा इतने कदों हो रही है? नहीं, मैं ऐ लगता नहीं कि एंट्री बाहर कदों हुई है। एंट्री एंट्री है। नवजोत सिंह सिद्धू इज ए कांग्रेस, कांग्रेस इज ए नवजोत सिंह सिद्धू जी। पर जिस हिसाब न उन्होंने बिल्कुल असी इतने कांग्रेस भवन च मौजूद सी उन्होंने अस्तीफा अपना पा दिता सोशल मीडिया से उस तो बाद दोबारा नज़र नहीं आया? नहीं नहीं, कुछ एवं जी गल् है ने जरूर मैं कहन से कोई तो सारे मीडिया आ रहे सब जगह पर आ रहा बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं कि पूरा उन्होंने स्टैंड है और पूरी उन्होंने गल है आने वाली जोड़ा समा है वे उन्होंने चीज़ों वास्ते नवजोत सिंह सिद्धू जी का पूरा स्टैंड है और उस स्टैंड पर रहना भी चाहिए है। असी भी कभी एवं जी अभी भी बड़े पुराने कांग्रेस पार्टी चले गए जिदा स्टैंड नहीं उसकी भी कोई गल है। असं कहने कोई छोटा जहा साइकिल हों पां चार हज़ार रुपये का वह भी स्टैंड हों सिद्धू साहब के मानयोग ने सत्कारयोग ने स्टैंड जरूर होना चाहिए स्टैंड पर चलना चाहिए जोड़ा स्टैंड आ बड़ा क्लीयर स्टैंड है इस चीज़ के जोड़े अकाली दल के लोग है जोड़े अकाली दल के न रिलेटड लोग है वो पार्टी के अंदर नहीं होने चाहिए बिल्कुल चाहे वह डी जी पी साहब की पोस्ट हो चाहे वह एडवोकेट जनरल की पोस्ट हो साडे मानयोग सत्कारयोग जो साडे मुख्यमंत्री जी ने डाउन टू अर्थ जोड़े मुख्यमंत्री जी ने यह उन्होंने सोचना पेगा ये उन्होंने कहना पेगा फिर तो अमरिंदर सिंह ठीक सी सानू कहन च की इतराज है पहले लड़ाई साड़ी भी यही सी कि जिहड़े उन्हां दे लोग ने उन्होंने सपोर्ट करते हैं उन्होंने उन्होंने मिली भगत सी अमरिंदर सिंह जी की तो जी असी अज कहीए तो अधिकारी कभी किसी के होए अधिकारी तो गौरमेंट के होंगे ने जिहड़ा चीफ मिनिस्टर हुंदा उहदे नाल हुंदे ने अधिकारी कभी किसी का नहीं हुंदा अधिकारी ने अपना गौरमेंट का कम करना जो कम हैगे ने उन्होंने उही करना ने जे ऐ लगदा कि साडी गौरमेंट दे जे नवजोत सिंह सिद्धू साहब नूं इह चीज़ लगी है साडे पीसीसी प्रैजीडेंट नूं ये चीज़ लगी है कि नहीं है दो बंदे तो मेरा ख्याल है तो कोई देर ही नहीं लानी चाहिए दो मिनट लाने हुण गल आ गई इहदे ते कि यूपीएससी डिसाइड करेगा। मैं फिर कहांगा मानयोग सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी फिर तुसीं उदां ही जिद्दां सौटा साहब नूं लाया उदां उन्हां नूं ला दिओ जिन्हां नूं उह कहिंदे ने गल तां इक्को ही है उपरों ऑर्डर आ जाएगा वह गल कुछ होर है कानून कुछ होर है तुसीं इहनां नूं भी तां लाया ना ते जे उह कहिंदे ने हुण उन्हां नूं ला दिओ ते उन्हां नूं ला दिओ फर्क ही तुहाडे वास्ते कोई फर्क नहीं सिद्धू साहब तुहाडे ने ते तुसीं सिद्धू साहब दिओ बहुत सारे घुसपैठिए साडी पार्टी के अंदर मैं ना नहीं लेना चाहता सानू पता सारा कुछ है वह घुसपैठिए साडी पार्टी नू खत्म करन वास्ते लगे हुए ने साडी कांग्रेस दा खा के साडी कांग्रेस दे नाल अपना नाम बना के साडे कांग्रेस दे विच रह के गड्डियां कार कोठियां बंगले सब कुछ लैके साडी कांग्रेस पार्टी नू खराब कर रहे ने। मैं बार बार बेनती सोनिया जी नू और राहुल जी नू और प्रियंका जी नू करांगा साडी पार्टी नू ये लोग बर्बाद कर रहे ने दूसरी पार्टियां दे लोग आए हुए इस तों ज़्यादा होर ज़्यादा इशारा नहीं देंगा तुहानू पता मैनू सारा कुछ हर चीज़ का मैनू पता है जो सिद्धू साहब कहिंदे ने जो मुख्यमंत्री जी कहिंदे ने आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे नाल तुसीं दो बहुत वड्डे अहुदेदार हो पंजाब दे चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट ने ते चाहे मुख्यमंत्री जी बहुत जिम्मेदार लोग ने मैं अज दी डेट च कहां ओ साडा भरोसा भी दोनों ते ही है साडी पार्टी दा साडे लोकां दा साडे वर्करस दा साडे लीडर संबंध दा दोनों ते बहुत भरोसा हैगा जी तो दोनों भरोसेमंद आपस दे विच रह के इन चीज़ नूं सुलझा लिया जाए असी पार्टी दा काम करिए समा बहुत थोड़ा रह गया है असी लोगों के उत्ते मरम पट्टी लाई किहड़े काम की तुसीं गल कर रहे हो जिहड़े 18 पॉइंट एजेंडा और 5 पॉइंट एजेंडा की गल कर रहे हो वो कितने नज़र आ रहा है हुण कितने नज़र आ रहे बिल्कुल यही वो जिहड़ा पहलां वाली गल हो रही थी कि तमाम कांग्रेस के वर्कर या यही बोलते सी कि अकाली दल की एक्सटेंशन सरकार चल रही है कि फिलहाल भी वही सीन नज़र आ रहे नहीं मैं नहीं कहांगा अज की डेट से तो मैं नहीं कहांगा जो 12 बजे बाहर बैठ के मुख्यमंत्री बन्नी से बह के लोगों को मिल रहे हैं जो सड़कों पर खड़े होकर मिल रहे हैं जो मैं कह पिंडां जाके मिल रहे हैं जी असी कही कि 12,000 करोड़ रुपया उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी का जोड़ा है भी उन्होंने छड़िया है तो कितने मरम पट्टी तो लगी यही मरम पट्टी दोबारा हाथ जोड़ के बेनती करांगे नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी करांगे और मुख्यमंत्री जी ने करांगे दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे नाल ये जिहड़ियां पोस्टां हैगियां ने इन्हां रिमूव करन मुख्यमंत्री जी और जिहड़े हैगे ने सिद्धू साहब नूं अपने नाल बिठा के और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे विच आ के सारे लोगों नूं मिलन सारी दुनिया नूं मिलन सानूं इन्ना पता है कि आने वाली सरकार फिर यही दोनों लोग लीड करनगे। मैनूं ऐ नहीं लगता पंजाब दे अंदर
कि जिहड़ा कोई 50-60 सीटा लाएगा, मैनू ऐ लगता कि यह जोड़ी 70 सीटा दोबारा फिर लैके आएगी। साडा सुझाव है, साडी गलबात है कि यही जोड़ी लिया सकदी है 18 पॉइंट एजेंडा और 5 पॉइंट जरूर। हुण तुसीं इह गल कही है 18 एंड 5 साडे उही एजेंडे ने। असीं कहांगे साडे कोल समां वी बड़ा घट है, जल्दी तो जल्दी उन्हां एजेंडियां नूं तय किया जाए और उन्हां दा जल्दी हल कढ़े, चाहे बेदबी दा होवे, चाहे नशियां दा होवे, चाहे नौजवानां दा होवे, चाहे इलैक्ट्रिसिटी दा होवे, चाहे जे चाहे होर कई इदां दे मुद्दे हैगे ने। कई जिहड़ियां संस्था हैगियां ने उन्हां दी हड़तालां चल रहियां ने, जिहड़े पक्के होण वाले हैगे ने उन्हां नूं पक्का कीता है, चाहे ड्राइवर्स ने, चाहे नर्सिज ने, चाहे डॉक्टर्स ने, इन्हां दे सारिआं दे कम कीते और इन्हां नूं प्राथमिकता दित्ती जावे, जो कि साडे सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी यह गल कही है। साडे PCC प्रैजीडेंट भी उस स्टैंड ते ने। सब तो पहला असीं बार बार ये कहने कि इन्हां दोनों अफसरां नूं जिहड़ा और रिमूव किया जाए, पर ये जड़ा एजेंडा है ये कि हवा हवाई तो नहीं साबित हो जूगा, क्योंकि कैबिनेट दी मीटिंग्स तो कई हो गई, चर्चा का विशा मेन मुद्दों से तो है ही नहीं। नहीं, मैनू ऐ लगता नहीं है, साढ़े को 3 महीने की सरकार है, अजय असी ये कह सकते 3 सरकार तो 6 महीने की है, मगर जोड़े कोड ऑफ कंडक्ट लगना वो असी गल कर रहे हैं, वो थोड़ा जहा अजय साढ़े को टाइम हैगा वे, तो असं सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी बैठ के उस चीज़ को जल्दी तो जल्दी हल कर। सिद्धू साहब कदों आ रहे हैं पंजाब कांग्रेस? सिद्धू साहब जो मर्जी आ जाए, सिद्धू साहब प्रेजिडेंट ने, सिद्धू साहब जो मर्जी आ सकते हैं, सिद्धू साहब को कौन रोकता, अभी सिद्धू साहब के नुमाइंदे ही बैठे हैं, कांग्रेस भवन च बैठे हैं, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं और देते रहेंगे बिल्कुल। वो कह रहे पंजाब के मुद्दों से काम तो कितने फस गया है, ता ही तो नाराज बैठे नहीं, असं ये कह रहे हैं ना, मैं भी तो तुम कह रहा ना, तुम इन्नी बाइट से 10 मिनट की जी पहले यही गल की है ना कि यही दो मुद्दे ने, इन्हों तो रिमूव करो मुख्यमंत्री जी, अज जोड़ के बेनती करते हैं खत्म करो इन्हों। सिद्धू साहब ने तुम सिद्धू साहब के घुसपैठिया की गल ना सुनो, असं बार बार कह रहे हैं घुसपैठ हो रही है कांग्रेस के अंदर, बड़ी वही घुसपैठ हो रही है। असं तो सोनिया जी और राहुल जी बार बार बेनती कर रहे हैं इस चीज़ से, पहले भी यही चीज़ा होंगे रही, घुसपैठ करते रहे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, अज फिर जी अगर कोई वो गल होगी तो कांग्रेस के लोगों के अंदर, वर्करा के अंदर, साढ़े अंदर निराशा जाएगी जी। सो GS बाली कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया जिहड़ा है उस नाल कांग्रेस नूं नुकसान हो रहा है, तो 18 पॉइंट तो 5 पॉइंट एजेंडा जिहड़ा पीपल्स एजेंडा है, पंजाब का एजेंडा है, वो कितने थोड़ा पिछे पै रहा है, हौला हो रहा है, तो इस घुसपैठिए तो जिहड़ा है वो अलर्ट रहने की लोड़ है कांग्रेस नूं, कांग्रेस हाईकमांड नूं, दिल्ली तो लैके पंजाब तक इस घुसपैठिए तो जिहड़ा है सावधान रहने की लोड़ है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही पंजाब कांग्रेस दफ्तर दोबारा पहुँचे। श्रमित चौधरी, जगबाणी TV, चंडीगढ़।